यार इस फेज ने एक बाइक निकल के रुका भी नहीं। हाँ ना, साइड करवाएंगे इस पे। ऊपर से निकल गई है बाइक, कैसे करें? पैर पकड़ लें। कमरे को जितना अच्छा चाहूं उतना सिंगवा लूं, सोते टाइम सब फैल जाता है। तो इसी के साथ टाइम हो रहा है 10:15। आज मैं लेट तो नहीं उठा, पर उठ सही टाइम पे गया था, पर आँख खुलने का जवाब नहीं दे रही थी। पर मैं आखिरकार उठ ही गया, कुछ डिसीजन ले रहा था, सोचा लेट लेट ही लेता हूँ, शांति का दिमाग है, उठूंगा फिर दिमाग खराब होगा। पहले नींद ले लो अच्छी, काकि अगर आपने नींद अच्छी ले ली ना तो आपका दिन अच्छा गुजर सकता है, ठीक है ना। तो इसी साथ वेलकम बैक टू चैनल, के स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। आशा करता हूँ कि आप बढ़िया हो, मजे ले रहे हो जिंदगी के। अगर ले रहे हो ना तो इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मजे दिलाने वाला हूँ आने वाले टाइम पे। हॉस्टल में लोग आ जाएंगे फिर बातें में मजा आएगा। तो पहले इस रूम वगैरह को सिंगवाते हैं। स्प्राउट्स है, पानी है, नाश्ता यही कर लेता हूँ, दैट विल बी इनफ। आप लोग मानोगे नहीं, मैं कमरे के फ्रेम में वापस से आया, ताला गेट खोल के देखो, गेट भी कितना सा खुला हुआ है, ठीक है ना। तो फिलहाल बच्चों का 12:30 यार, देखो भूख लगनी है, थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई थी। कपड़े भिगो गए थे, बेडशीट भिगोई और टॉवल भिगोया, आज वो साफ़ करूँगा, वो सुखाऊंगा, क्योंकि अगर सारी चीज़ें एक साथ धो दी ना तो फिर सुखाने की जगह नहीं बचती कमरे में, और बाहर बारिश का मौसम है तो भैया कमरे में सुखानी पड़ेगी। फिलहाल चलते हैं खाना खाते हैं, भूखी भूखी सी। सच बता रहा हूँ, जब ऐसा मौसम होता है ना यहाँ पे, अपनी किस्मत पे कभी कभी शक होता है, क्या सच में इतनी अच्छी किस्मत हो सकती है कि भाई यहाँ पे काले बादल आना ना, एक अलग ही। ऐसे दिल्ली में बारिश हुई थी तो हाँ, थोड़ा सा बात थोड़ी सी बात में दम है कि बारिश यहाँ पे होनी होनी है। अरे वे कुछ दिनों बाद व्लॉग में मानवी गुप्ता भी आ जाएगी। अब सही है ना यार, वंश भी आ जाएगा, मानवी भी आ जाएगी, कॉलेज खुलने वाले, अर्णव भी आ जाएगा, मेरे को अकेले फ्रेम मैनेज करने में थोड़ी सी मुश्किल नहीं होगी। मतलब मुश्किल तो होगी क्योंकि सब सारे दोस्त होते हैं ना, तो बीप बीप ज़्यादा होती है। खैर अब इस बार तो अब आदत सी, मतलब आदत क्या यार, मतलब बीप बीप होती है यार, निकल जाती है कभी कभार। तो एक प्रॉब्लम हो गई, बारिश स्टार्ट हो गई, और मेरा एक कुरियर था, ठीक है ना, जो कि मुझे कलेक्ट करना था आज, पर मेरे पास छाता भी नहीं है, अंदर मैं चला जाता और ऐसे जाऊँगा नहीं यार, बारिश में भीगूँगा हाँ वहाँ मैं। और ये भी नहीं आस पास है भाई, बहुत दूर जाना पड़ेगा, मतलब पेट्रोल पम्प के पास बुला रहे हैं भैया, वहाँ पर खड़े होंगे, वहाँ पर कलेक्ट करने होंगे सबको पार्सल। ये काम कर सकता हूँ अगर वो ऊपर, वो लोग मार्केट के साइड होंगे, कोई है नहीं यार, कोई कलेक्ट करने वाला भी नहीं है। बारिश देख सकते हो, बादल हटे और भाई धूप देखो कैसे टांट पे लग रही है बिल्कुल, मतलब मैं ऐसे चल रहा हूँ ना तो बकायदा कमर पे फील हो रही है कि हाँ भाई धूप बहुत बहुत ही ज़्यादा है यार। ऐसा फील होता है कभी कभी कि हरियाणा जो है ना इक्वेटर के पास है, इतनी गंदी धूप लगती है ना, कमर एकदम सन कर दी सन। अभी इतना अच्छा मौसम था, अब धूप निकल गई, अब हुमस हो जानी है। खैर जैसा भी चलते हैं यार, मिंत्रा से कुछ ऑर्डर आया, मुझे भी नहीं पता क्या ऑर्डर है, किसी सब्सक्राइबर ने तो नहीं भेजा, मेरे पास में फ़ोन आया कि भैया ऑर्डर आया आपका, आप कलेक्ट कर लो आके, आई डोंट नो, ग्रेट सक्सेस। हाँ पेड है ना, कैश ऑन डिलीवरी तो नहीं है? कैसे देने इसके 100 रुपये? कैसे? ऐसे मजाक कर रहे हो ना? मैं मजाक कर रहा हूँ। हाँ वही तो मैं कहूँ, हमारे उसमें भी लेते हैं कुरियर बॉय। हाँ जी हेलो, थैंक यू सो मच भैया, कह रहे 100 रुपये देने हैं, हमारे उसमें भी लेते हैं, जैसे कुरियर बॉय होते हैं ना, कई बार कस्टमर को ठगने के लिए कहते हैं नहीं भैया हम डिलीवरी तभी करेंगे चाहे हमें 100 रुपये से 150 रुपये दे देंगे। कई बंदे कहते हैं कि आपके हमारा जब आपका जो पार्सल है वो हमारे अब में रोक लिया गया है, तो जिसने भी भेजा है थैंक यू सो मच गाइज। ओके इसमें लिखा नहीं है कुछ भी फॉर्म वगैरह, कोई लेटर तो लिखते हैं यार, सब्सक्राइबर्स पाके भेजा पाके, मुझे नहीं पता देखो सच बता रहा हूँ किसने भेजा, नो आइडिया।
मेरे को कॉल आया, मैं उठाने चला गया, मुझे नहीं पता इसमें है भी क्या। ठीक है, कपड़े से लग रहे हैं, कुछ और भी हो सकता है यार, चप्पल भी तो घिस गई मेरी, पर कपड़े इतने टाइट थोड़ी होते हैं, दबा के देख रहा हूँ तो कुछ पता नहीं चल रहा। रूम पे जाके करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। पार्सल गया है मिल, और मेरे हंसों के जोड़े यहाँ खड़े हुए हैं, और भाई क्या हाल है, उड़ गया मेरे को देखते ही। यार इस फिर एक बाइक निकल गई, रुका भी नहीं, आना साइड करवाएंगे इस पे। ऊपर से निकल गई है बाइक, कैसे करें, पैर पकड़ लें, साइड में कर दो। है तो ठीक पर कमजोर बेचारा बहुत है, झेलने लायक थोड़ी ना किसी की टक्कर। हाँ एटलीस्ट बाइक वाले को रुकना तो चाहिए था, रुका भी नहीं। मुझे लगा गया बच गया। चलो अच्छी बात है बच गया, हाँ बहुत अच्छी बात है कि बच गया, पर भाई वही बात है ना, जानवर इंसान बनता जा रहा है, इंसान जानवर होता जा रहा है। पानी ना दो तीन दिन में ख़त्म हो जाता था, आज मैंने फुल तक भर दिया, और फुल के भरने के चक्कर में देखो हर जगह पानी हो गया, तो मैंने भैया को बुलाया कि भैया थोड़ा सा पोछा लगा दो। फिलहाल पार्सल करते हैं ओपन, थोड़ा सा गेट खोल लेता हूँ ताकि हवा का सर्कुलेशन बना रहे, और पूरे ठंडी ठंडी हवा खींच के हमें ठंडी ठंडी हवा देता रहे। नीचे है बहुत गीला, इसलिए मैं भी उतर नहीं रहा, इतना गीला हो रखा है, हद है यार, ढंग से पोछा भी नहीं लगाया भैया ने, गीले पानी पे गीला पोछा फेर के चले गए, क्या कर सकते हैं भाई, हॉस्टल लाइफ। एक तो बेडशीट संभालो, कूलर यहाँ कर तो दो, पर बेडशीट की अनबॉक्सिंग थोड़ी सी अलग होने वाली है। हमेशा मैं ऐसे 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 खोल देता था, कभी पैर रख रहा, कभी नहीं, आज तुम्हारा भाई अच्छी तरह खोलेगा। अब कुछ काटने के लिए नहीं, गर्लफ्रेंड थी वो भी छोड़ काट के चली गई, अब कुछ काटने के लिए बचेंगे। मजाक कर रहा हूँ, दिल तो मत देना, पहले से खोलते हैं। अरे ओ हो हो, बिल भी दिया है भाई साथ में, ऐसा खर्च किया जिसने भेजा, तो बिल 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 पे तो लिखा होगा किसके उस पर है भाई। इस बिल को जो पढ़ लेगा ना वो नीट क्लियर कर जाएगा पहली बारी में। खैर जैसा भी, बिल को रखते हैं साइड में, हमारे लिए आए हैं है? ओके, ये है एक मैटी टी शर्ट है, मिंत्रा कूल, मतलब मज़ा आ गया। अरे तू चुप रहेगा, ब्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं, एक घंटे से धुर चले जा रहे हैं। तो दिस इज ब्लैक रोडस्टर, नाइस, इसके मेरे पास शूज़ भी थे, तो कॉम्बोजेशन 899 भाई किसने भेजा है। ओके मे बी साइज इशू हो सकता है, मे बी, मुझे ऐसा फील आ रहा है, पहन के देखेंगे। फिर हमारे लिए आया है अर्बन, ये भी मिंत्रा ही है, मैंने शर्ट पे कुछ भी लिखा हो अपने को, क्या कपड़े में जान है भाई, हियर एंड नाउ। तो तब से तो भैया के साथ कॉल पे था, प्रशांत भैया से आज बहुत दिनों बाद बात हुई, बहुत मस्त बात हुई, वहाँ से बारिश ने कुछ करा ना करा, माहौल सही सेट कर दिया। खैर अभी चलते हैं क्रिकेट के लिए, है ना, जाते हैं वहाँ पे बंदे, थोड़ा बॉलिंग वगैरह करेंगे। सनसेट हो चुका है, ऑलमोस्ट 6 बज चुके हैं, वैसे तो मैं रोज़ 5 बजे आ जाता था, पर अभी बज रहे हैं 6। ओ शॉट है ब्रो, कैच है, आउट है। मैं 2 घंटे बाद ये फ्रेम स्टार्ट कर रहा हूँ, एक्सरसाइज करने के बाद बड़ा लो फील हुआ, मैं कुछ बाहर के खाने का मन किया, मैं चिकन खाने आ गया, बटर चिकन बटर नान ऑर्डर करें भाई, पेट भर के खाऊंगा, क्रेविंग हो रही थी। और जब भी परेशान होता हूँ ना तो कुछ है, मेरा तो कुछ ऐसा है नहीं, हैंग आउट करा फ्रेंड्स वगैरह साथ बैठे हुए थे, नहीं अकेले थे कमरे में, मैं कहा चल बाहर चलता हूँ, खा पी के आता हूँ कुछ बाहर का। मैं इसमें पनीर बना था, देख के ऐसी किलसन मची ना, सच बता रहा हूँ कि मैंने कहा यार रोज़, पर पनीर इतना घटिया होता है ना, चल जैसा भी है खाना आने, तो भूख लग रही है, ब्लॉग भी अब बाद में करूँगा, तब से ब्लॉग ही नहीं करा, इसी वजह से मैंने ब्लॉग नहीं करा। आज मैं फिर से लेट हो गया उठने में, कल रात को चिकन खा के इतनी बढ़िया नींद आई, मैं तो आया थोड़ा सा काम किया और सो गया,
व्लॉग एडिट करते करते ही सो गया था। मतलब व्लॉग एडिट करना मतलब क्या सोचा कि काम करता हूँ, जो आखिरी पार्ट होगा ना वो आखिरी में शूट करके जैसे ऐसे ही डालूंगा बस यार। तो आज का व्लॉग वहीं तरह रखता हूँ, आशा करता हूँ कि पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और भाई बाइक गाड़ी कुछ भी चला रहे हो प्लीज़ ध्यान से चलाओ। कुछ ऐसे जानवर सड़क पर घूम रहे हैं जो शायद बोल नहीं सकते, और ऐसे तो बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं जो बोल सकते हैं।